अगर दुनिया में इंसान का सबसे अच्छा और वफादार जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। कुत्तों की 350 से ज्यादा नस्लें पाई जाती है जिनमें आपको चीते से रफ्तार, इंसानों से समझ और वफादारी देखने को मिल जाएगी। लेकिन कई नस्लें बहुत ही खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक कि खतरा महसूस होने पर पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं, चाहे वो इनका मालिक ही क्यों न हो। इन कुत्तों की मांग इतनी ज्यादा है कि आर्मी से लेकर बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां भी अपराधियों को पकड़ने में इनकी मदद लेती है। हम आज आपको दुनिया भर के ऐसे ही खतरनाक और ताकतवर डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इतने खतरनाक है कि इनमें से कई कुत्तों को पालने पर तो कई देश बैन लगा चुके हैं। साइबेरियन हस्की। यूएस में स्थित कुत्तों की वजह से मौत व चोट के मामलों में विशेषज्ञता वाले वकीलों की एक फर्म हिल एंड एसोसिएट्स के अनुसार हस्की सबसे खतरनाक नस्लों में से एक है, जो लोगों विशेष रूप से बच्चों को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं अगर इन्हें ढंग से ट्रेनिंग न दी जाए तो। ये कुत्ते मध्यम आकार के होते हैं और इनके अंदर काफी सहन शक्ति होती है। इस प्रजाति के कुत्तों के अंदर लाजवाब ताकत होती है। साइबेरियन हस्की काफी वफादार, सुंदर और मित्रतापूर्ण होते हैं। उनकी आंखें बड़ी चौड़ी और काले रंग की होती है, जो काफी खूबसूरत दिखाई पड़ती है। उनके शरीर में मौजूद ताकत की वजह से इनका इस्तेमाल बर्फीली जगह पर एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए भी किया जाता है। इन्हें दौड़ लगाना, वजन खींचना, रेस लगाना और जॉगिंग करना बेहद पसंद है। जैसा नाम से ही जाहिर है कि ये कुत्ते साइबेरिया से ताल्लुक रखते हैं। ये कुत्ते 4 फुट तक उछाल मार सकते हैं और 6 फुट ऊंची बाड़ फान सकते हैं। उनके नीचे से क्रॉल कर सकते हैं, चेन तोड़ सकते हैं, कॉलर को खिसका सकते हैं ताकि वो खुद को कैद से मुक्त कर सके। इसलिए इनके गुम हो जाने की रिपोर्ट सबसे ज्यादा लिखाई जाती है। इन्हें कैद में रहना पसंद नहीं है। इन कुत्तों में कई ऐसी खूबियां होती है जो इन्हें ठंडे मौसम में रहने के लिए मदद करती है। 1925 की सर्दियों में बाल्टो नाम के साइबेरियन हस्की और कुंडनर कासेन द्वारा संचालित एक स्लेज डॉग टीम तब हीरो बन गई जब वे अलास्का के नॉम में डिप्थीरिया के प्रकोप के इलाज के लिए दवा देने सारी मुसीबतों का सामना करते हुए पहुंचे। इसलिए आज सेंट्रल पार्क में बाल्टो की एक ब्रांज मूर्ति श्रद्धांजलि के रूप में खड़ी है। इनकी औसत उम्र 12 से 14 साल और वजन 20 से 30 किलो तक हो सकता है। इस प्रजाति के कुत्तों के काटने की क्षमता 320 PSI है। अमेरिका में 1979 और 1998 के बीच करीब 15 मौतों के लिए ये जिम्मेदार थे। रॉटवाइलर। रॉटवाइलर प्रजाति के कुत्ते बुद्धिमान, बहादुर और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, जिसमें तांबे के रंग के निशान के साथ एक छोटा काला कोट होता है। यह संरचना में मजबूत और कॉम्पैक्ट है, जो ताकत, चपलता और प्रतिरोध दिखाता है। इनके शरीर पर बहुत ही मुलायम बाल होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों का इस्तेमाल, इनका शरीर काफी तगड़ा होता है। शुरू में इनका उपयोग दृष्टिहीन लोगों के लिए किया जाता था। शुरू में इनका प्रयोग रॉटवाइल शहर में किया जाता था, जहाँ इनका काम सामान को बाजार में ढोना करना था, इसलिए इनका नाम रॉटवाइलर पड़ा। इसके अलावा इनको बुचर डॉग ऑफ रॉटवाइलर भी कहा जाता है। बाद में इनका प्रयोग पुलिस डॉग के तौर पर होने लगा। अपने मजबूत शरीर की वजह से ये भारी भरकम काम भी कर लेते हैं। ये प्रजाति के कुत्ते उस प्रजाति के कुत्तों के वंशज हैं जिन्होंने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रजाति के कुत्ते बहुत ही प्यारे, वफादार और घुल मिल कर रहने वाले होते हैं। इनका वजन 60 किलो से औसतन, उम्र 8 से 10 साल होती है। इस प्रजाति के कुत्तों के काटने की क्षमता 328 PSI होती है। साल 2014 में अमेरिका में रॉटवाइलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। वही 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में कुत्तों के काटने से हुई मौत के जिम्मेदार रॉटवाइलर और पिटबुल दोनों बराबर के ही थे। कुछ देश जैसे कि आयरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, मलेशिया और सिंगापुर ने रॉटवाइलर पर बैन लगाया हुआ है। प्रेसा कनारियो। यह मुख्य रूप से एक स्पेनिश डॉग ब्रीड है और इनका वजन 60 किलो के करीब होता है। बता दें कि इस प्रजाति के कुत्तों को 18वीं सदी में युद्ध के दौरान शिकार और हमलों के लिए ट्रेनिंग प्रदान की जाती थी और ये जानलेवा कुत्ते होते हैं। ये इतने खौफनाक और शक्तिशाली है कि इनके चंगुल से निकलना बेहद मुश्किल होता है। प्रेसा कैनारियो को आक्रामक और खतरनाक नस्ल के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। कुछ हाई प्रोफाइल हमलों की घटनाओं के कारण इसने ये कुख्याति प्राप्त की है। जिन्हें पहले कुत्ते पालने का तजुर्बा नहीं है, ऐसे ओनर को इनसे दूर ही रहने की सलाह दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, रोमानिया, सिंगापुर, यूक्रेन जैसे देशों ने इस पर बैन लगा रखा है।
1982 और 2014 तक हुए हमले और जान लेने की घटनाओं में ये चौथे नंबर पर है। लेकिन जो पहली तीन नस्ल है, पिटबुल, रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड, वो बहुत ज्यादा पाली जाती है, इसलिए ये आंकड़े और भी भयानक है। अकेले अमेरिका में ये 18 जान ले चुका है। इस ग्राफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खतरनाक है। सबसे प्रसिद्ध प्रेसा कॉनोरिया हमले के मामलों में से एक 2001 में डाइन विपल की दुखद मौत का कारण बना, जिसके चलते इसके मालिक को 15 साल की कैद हुई। इनकी बाइट फोर्स 500 प्लस PSI है। डॉगो अर्जेंटिनो। डॉगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की मूल डॉग ब्रीड है और ये बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। इसको दुनिया के सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक माना जाता है, क्योंकि जहां इंसानों की बाइट फोर्स 120 PSI है, वहीं इनकी बाइट फोर्स 500 PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच है, जो चीते की 475 PSI से भी ज्यादा है। डॉगो अर्जेंटिनो कुत्ता लंबाई में 27 इंच और 45 किलो वजनी हो सकता है। इसका इस्तेमाल जंगली सुअर के शिकार के लिए किया जाता है। इनको इनकी बहादुरी के लिए और इनकी ताकत के लिए जाना जाता है। अपनी हायर लंग कैपेसिटी और स्टेमिना की वजह से काफी दूर तक की दूरी तय कर सकते हैं। इनका शक्तिशाली और पुष्ट शरीर इन्हें सख्त बनाता है। इनका सिर मजबूत और गर्दन शक्तिशाली होती है। इनके इतने सख्त होने के बावजूद ये काफी फ्रेंडली होते हैं। 2008 में मोरचो नाम के डॉग अर्जेंटिनो ने गांव के पास अपने मालिक की दो छोटी लड़कियों को हमले से बचाने के लिए पूरी तरह से विकसित पुमा से भिड़ गया था। इस एनिमल प्लेनेट पर प्रसारित भी किया गया था। डॉक्टर अगस्टिन नॉज मार्टिन्स ने इस प्रजाति के कुत्तों का इजाद किया था। कुत्तों को लेकर किए गए उनके प्रयोगों की वजह से ही डॉगो अर्जेंटिनो प्रजाति के कुत्तों का इजाद हुआ। 1928 में इस नस्ल को सफलतापूर्वक पेश किया गया, लेकिन 1973 में FCI द्वारा इसको स्वीकार किया गया। ये काफी विनम्र और खुश मिजाज होते हैं। लेकिन 2012 में लाइव प्रोग्राम के दौरान एंकर काइल डायर के साथ जो हुआ वो कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि इस ब्रीड के मैक्स नाम के कुत्ते ने उन्हें एक छोटी सी बाइट में ही ऐसा घाव दिया कि चेहरे पर 70 टाके लगाने पड़े। बस वो उसे किस करने आगे बढ़ रही थी, जो उसे पसंद नहीं आया। लगभग 10 देशों ने इन कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा रखा है और अमेरिका के कुछ शहरों में भी इन्हें रखने की मनाही है। इनकी औसतन उम्र 9 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। कॉकेशियन ओवचारका। ज्यादातर कॉकेशियन के बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं और ये काफी मजबूत होते हैं। इस प्रकार की प्रजाति के कुत्ते का ज्यादातर इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में निगरानी रखने और चौकीदारी करने के लिए किया जाता है। ये काफी बहादुर होते हैं और इन कुत्तों का उपयोग भेड़ को जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी किया जाता है। इन कुत्तों को सही तरीके से ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है, अन्यथा इन कुत्तों को घुलने मिलने में दिक्कत आ सकती है। बच्चे वालों को इन्हें ना पालने की सलाह दी जाती है। इन कुत्तों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो किसी भी मौसम में अपने आप को ढाल सकते हैं। इन कुत्तों को आउटडोर एक्टिविटीज और एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, ना कि घर के अंदर रहना। इसके अलावा गेंद का पीछा करना और हाइकिंग भी करना उन्हें अच्छा लगता है। थकावट का कोई लक्षण दिखाए बिना ये 15 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों की सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा तेज होती है। इनकी औसतन उम्र 10 से 12 साल और वजन 100 किलो तक हो सकता है। इन कुत्तों के अंदर काटने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर 515 PSI से लेकर 700 PSI तक काटने की क्षमता होती है। सिर्फ तिब्बतन मस्टिफ ही इसको टक्कर दे सकता है, चाहे पिटबुल हो या रॉटवाइलर, इसके आगे कोई भी नहीं टिकते। कांगल। ये शक्तिशाली प्रजाति तुर्की में स्थित कांगल शहर से उत्पन्न हुई है। शुरू में कांगल्स का काम मवेशियों के झुंड की रक्षा करने तक सीमित था। अपने मालिक से आदेश के बिना भी खतरा महसूस करते ही हमला कर देते हैं। घुसपैठिए व भेड़िये जैसे जानवर इनके रहते मवेशियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन भेड़ियों के झुंड से इनकी रक्षा करने के लिए इनको नुकीले पट्टे गले में पहनाए जाते हैं, ताकि कोई गार्डन पर पकड़ न बना सके। इनका शरीर पर बालों की दो परत होती है। कांगल प्रजाति के कुत्ते बहुत ही लॉयल, बहादुर, हिम्मती और बच्चों के साथ काफी घुलने मिलने वाले होते हैं। हालांकि बच्चों के साथ खेलने से पहले उन्हें बचपन से ही अच्छे से ट्रेनिंग देना जरूरी है। इनका इस्तेमाल घरों में भी किया जाता है, लेकिन इनको पालने का मतलब है आपके पास इनके खेलने और दौड़ने के लिए काफी बड़ा और मजबूती बाउंड्री वाला एरिया होना चाहिए। इनका वजन 50 से 70 किलो और उम्र 12 साल से लेकर 15 साल की होती है। डॉग्स में सबसे ज्यादा काटने की क्षमता 743 PSI इन्हीं की होती है, यानी शेर की 650 PSI से भी ज्यादा, चित्ते से 1.5 गुनी और भेड़िए से 2 गुनी, यानी कांगल की तुलना में शेर के जबड़ों में फंसना ज्यादा सेफ है। लेकिन आक्रामक रवैये की बात की जाए तो ये अर्जेंटिनो पिटबुल से ज्यादा सेफ है। यूक्रेन और बेलारूस में कुछ लॉ के दायरे में ये बैन है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर।
पिटबुल प्रजाति के कुत्ते आकार में छोटे होने के बावजूद बेहद खूंखार और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दुनिया भर के लगभग 12 देशों ने इसको रखने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है। इन कुत्तों के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है और इनका उपयोग वजन खींचने वाली प्रतियोगिता में किया जाता है। उनका शरीर काफी गठीला होता है। इनके गठीले व शक्तिशाली शरीर की वजह से पिटबुल का इस्तेमाल डॉग फाइटिंग के लिए होने लगा है। इन्हें इस तरह से रखा जाता है जिससे ये बेहद गुस्सेल हो जाते हैं। इनको ट्रेडमिल पर खूब दौड़ाया जा सकता है। इन कुत्तों की काटने की क्षमता 235 PSI है, यानी डॉगो अर्जेंटिनो की लगभग आधी। लेकिन फिर भी इनकी जबड़े की पकड़ से किसी को छुड़ाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे समय में सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप इनकी नाक पर पानी डालें। इसलिए ये क्रिमिनल्स की भी खास पसंद है। पिटबुल काफी जल्दी सीखने वाला कुत्ता है। अगर कोई इनका दोस्त बनना चाहे तो ये जल्दी से उनके दोस्त बन सकते हैं। लेकिन इनकी आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। साल 2005 से 17 तक सिर्फ अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 284 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनके हमले की ऐसी कई वीडियो आपने भारत में भी देखी होगी। अगर आपके पास इनको ट्रेनिंग देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो आपको इस प्रजाति के कुत्तों को लेने का फायदा नहीं है। इनका वजन 16 से 30 किलो और इनकी औसतन उम्र 8 साल से 15 साल तक की होती है। तिब्बतन मस्टिफ। तिब्बत, चीन, मंगोलिया, भारत और नेपाल की खानाबदोश संस्कृतियों के साथ उत्पन्न इस ब्रीड का उपयोग ये अपनी भेड़ों को भेड़ियों, तेंदुओं, भालू और बाघों से बचाने के लिए किया करते थे। इस डॉग को दुनिया भर में सबसे मजबूत, अत्यधिक खतरनाक व क्रूर डॉग माना जाता है। इनका शरीर काफी बड़ा, तगड़ा और मजबूत होता है। इसका शरीर खूबसूरत काले और भूरे रंग के बालों से घिरा होता है। तिब्बतन मस्टिफ को अपने शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए व्यायाम करने की जरूरत होती है। इनकी औसतन उम्र 12 साल से 15 साल और वजन 50 से 70 किलो तक हो सकता है। इनकी काटने की क्षमता 556 PSI होती है। इनके शरीर को देखकर ही इनके खतरनाक होने का एहसास लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल शेर की तरह दिखते हैं। चीन के एक शख्स ने तिब्बतन मस्टिफ नस्ल के कुत्ते को लगभग 13.60 करोड़ में खरीदा था। वैसे तो इन कुत्तों की कीमत लाखों में ही होती है, लेकिन कुछ कुत्तों को मिली स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से इनकी कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है। दुनिया के सबसे महंगे इस डॉग को चीन में स्टेटस सिंबल माना जाता है, जिस वजह से वहां इनकी ज्यादा मांग है। नतीजन कई मौत इनके कारण हो चुकी है, इसलिए अब कई चीनी शहरों में इन पर बैन लगा दिया गया है। US के मिशिगन, वाशिंगटन और विस्कॉन सहित करीब 6 देशों में इन पर बैन है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। टोसा, इनू, डॉबरमैन, चाउ चाउ, ग्रेट डेन, बुलडॉग, कैन कॉर्सा, आयरिश वॉल्फहाउंड, रोडेशियन, रिजबैक जैसे अन्य खतरनाक ब्रीड की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में अभी हमने सबसे कॉमन ब्रीड्स की बात की है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आगे आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं।